हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बेसिकली क्लास 10th का सिलेबस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो 11th 12th के बच्चे हैं या जो 9th के भी बच्चे हैं, उन लोगों को बेसिक्स नहीं पता होते कि अम्ल क्षार क्या होते हैं या लवण क्या होते हैं। तो आप लोग सभी ये वीडियो को लास्ट तक देखो और मैं इस पर प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी कि अम्ल क्षार और लवण को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या कैसे अलग अलग हम जान सकते हैं कि कौन अम्ल होता है, कौन क्षार होता है और कौन लवण होता है। और मैंने इसका बहुत ही सिंपल तरीके से पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, जैसे कि देख रहे हो कि ये पॉइंट में है, एग्जाम्पल में, ताकि आप एक नोट्स बना सको इसका। और बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो एक कॉपी पेन निकाल के करके बैठिए और वीडियो को रोक करके उसका नोट्स भी बनाइए और समझते भी जाइए। देखो, तो शुरू करते हैं हम लोग। हमारा जो चैप्टर है अम्ल क्षार और लवण, है ना। अम्ल क्षार और लवण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अम्ल जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो, अम्ल क्या होते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी हो गए, नींबू हो गया, ठीक है, या फिर हम आंवला हो गया, या फिर ऑरेंज हो गया, संतरा, ये सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो जितनी भी खट्टी चीजें हैं वो क्या होती है, अम्ल होती है। तो हमारा जो पहला डेफिनेशन है वो क्या होगा कि अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, ठीक है। अब ये जो नीला लिटमस है वो है क्या, वो एक पत्र का नाम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिटमस पत्र कहते हैं। तो एक नीले रंग का लिटमस पत्र होता है, वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, ठीक है। अगर वहां वो अम्ल होगा तो, अगर वो कुछ नहीं है, मतलब अगर वो अम्ल नहीं है तो नीला लिटमस नीला का नीला ही रहेगा। तो अगर हम नीले लिटमस को क्या करते हैं, अम्ल में डुबाते हैं, तो वो नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देगा, लाल में बदल देगा, ठीक है। तीसरा वाला देखो कि जब हम इन अम्लों को जली विलयन में घोलते हैं तो ये क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। कैसे देंगे H प्लस आयन, देखते हैं। जैसे मैंने ये उदाहरण दिया है कि उदाहरण क्या है, हमारा HCl है, HCl जो है एक अम्ल है। तो जब मैंने इस HCl को जल में घोला, है ना, यहाँ पर मैंने H2O डाला, है ना, पानी मिलाया, तो ये क्या हो गया, ये अपने दो भागों में टूट गया। सबसे पहले इसने H प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाता है, ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये जो है वो किसमें हो गया, अपने जली विलयन में घुल गया। तो इसलिए कहा गया कि जब हमने HCl में क्या मिलाया, H2O मिलाया, तो ये क्या बना देता है, अपने H प्लस जो आयन है उसको देता है, ठीक है। तो ये हो गया, जैसे ही हमने H प्लस को जल में घोला, यहाँ पर मान लो हम लोग जल भी लिख देते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा, ये किसमें घुल जाएगा, H प्लस और Cl माइनस में घुल जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो अम्ल होता है वो दो तरीके से होता है, एक कहलाता है सांद्र अम्ल और एक क्या कहलाएगा, तनु अम्ल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस समझना कि सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या क्या होते हैं। देखो, जिसमें अम्ल की मात्रा जो है वो अधिक होती है और जल जो उसमें मिलाया गया है वो क्या होता है, कम होता है या अल्प मात्रा में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं, ठीक है। और तनु अम्ल किसको बोलेंगे, जैसे कि अगर अम्ल की मात्रा क्या होती है, कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। सांद्र अम्ल क्या हुआ, अगर अम्ल अधिक है और जल जो है वो कम है तो वो क्या होगा, सांद्र अम्ल। और अगर अम्ल जो है वो कम मात्रा में है और जल अधिक मात्रा में है तो वो क्या कहलाएगा, तनु अम्ल, ठीक है। इसी तरीके से अम्ल का उदाहरण कौन कौन सा है, देखो HCl, HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, तो H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। उसके बाद है CH3COOH, तो इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। फिर ये है सिट्रिक अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो इसीलिए लिखा है कि जो नींबू होता है उसमें क्या होता है, खट्टापन पाया जाता है, तो उसमें कौन सा अम्ल होता है, ये कभी पूछा जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स में, तो वहां पर बता सकते हो कि जो नींबू है उसमें क्या होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे अम्ल और क्षार का परीक्षण, और ये एक्सपेरिमेंट मेरे एक स्टूडेंट टिकेश के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के लिटमस पत्र हैं, एक दिखाई दे रहा है हमारा नीला लिटमस पत्र, ये है, और एक है लाल लिटमस पत्र। तो जब हम नीले लिटमस पत्र का प्रयोग करेंगे अम्ल के लिए, तो टिकेश हमको करके दिखाएंगे कि कैसे होता है ये प्रयोग। चलो,
हम लोग ले रहे हैं अम्ल, जो कि एक छोटे से बीकर में रखा हुआ है। अम्ल में हम लोग डुबा रहे हैं नीला लिटमस पत्र। तो ये दिख रहा होगा आप लोग को, नीला लिटमस पत्र को जैसे ही हम अम्ल में डुबाते हैं तो इसका जो रंग है वो धीरे धीरे लाल लिटमस पत्र में बदलते जा रहे हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, अम्ल, क्योंकि अम्ल वो होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देता है। अब हम क्षार के बारे में देखते हैं। क्षारक को बेस भी कहा जाता है। इसका पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि क्षारक जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। मतलब जब हम लाल लिटमस को क्षार के संपर्क में लाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, नीले रंग में बदल जाएगा। और अगर लाल लिटमस को हमने किसी और चीज के संपर्क में लाया तो वो लाल का लाल रंग ही बना रहेगा। थर्ड पॉइंट है कि ये जली विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, ये क्या दे रहे हैं, जली विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ये NaOH है, ये कुछ उदाहरण दिए हैं NaOH, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। वैसे ही KOH होता है जिसको क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर होता है NH4OH जिसको क्या कहा जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे हमने नींबू का जो होता है, नींबू में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, वैसे ही जो साबुन है उसमें क्या होता है, क्षार होता है ना। तो दैनिक जीवन में साबुन एक ऐसे वस्तु है जो क्षार के उदाहरण के बारे में बताता है। अब यहाँ पर देखो ये जो क्षार है उसको, उसके लिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि ये जली विलयन में क्या देते हैं, OH माइनस है। तो जैसे ही हम NaOH लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, जल में हम घोलते हैं, तो ये किसमें विभक्त हो जा रहे हैं, Na प्लस और OH माइनस में विभक्त हो जा रहे हैं। तो ध्यान रखना जो भी विलयन Na प्लस और OH माइनस में विभक्त होता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। और वहीं अगर अम्ल की बात कर रहे थे तो वो क्या था, जब हमने उसको जल में घोला तो H प्लस और Cl माइनस में विभक्त हुआ। तो अगर पहचानने कहा जाए तो कैसे पहचानेंगे आप लोग, कि जहां पर आपको OH माइनस दिखा तो वो क्या है, क्षार है, जहां H प्लस दिखा तो वो क्या है, अम्ल है। ठीक है, इसी सिलसिले में क्षार को भी परिभाषित करते हैं कि अगर जल में कोई भी घुलनशील है क्षारक तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे कि ये क्या था, हमारा एक क्षारक था, इसको हमने जल में घोला तो ये घुलनशील हो गया, तो ये क्या कहलाया, क्षार कहलाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्षारक को परिभाषित कर सकते हैं। है दोनों एक ही चीज, लेकिन छोटा सा डिफरेंस था तो उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। ले रहे हैं एक बीकर में क्षार, और क्षार के रूप में मैंने लिया है NaOH को। तो NaOH के विलयन में जब हम लाल लिटमस पत्र को डुबाते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो लाल लिटमस पत्र है वो धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित हो जा रहा है। तो हम क्षार की पहचान कैसे करेंगे, जब लाल लिटमस पत्र है जो नीले रंग में बदल जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। देखो अब एक बात आती है कि अगर हमको अम्ल और क्षार को पहचानना हो तो हम उनको कैसे पहचानेंगे, क्या हम अम्ल को टच करेंगे या फिर उसको खा करके देखेंगे या उसको स्मेल करेंगे, है ना। तो अम्ल क्षार को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसको छूते हो तो आपका हाथ जल सकता है, क्योंकि जो अम्ल है वो बहुत तेज होता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम उसको स्मेल करते हैं तो उसकी जो गंध है वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो बिल्कुल भी आप लोग अम्ल और क्षार को छू करके नहीं देखना। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये अम्ल है या क्षार है। तो उसके लिए एक शब्द आता है सूचक, जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर। जैसे कि गाड़ियों में इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेट करता है कि हमको किस साइड मुड़ना है। उसी तरीके से एक शब्द आता है सूचक, जो हमको पहचानने के लिए बताता है कि ये जो है वो अम्ल है या क्षार है। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। देखो सूचक क्या होता है, सूचक जो है वो किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है। मतलब सूचक से हम लोग ये जान सकते हैं कि हमको जो भी विलयन दिया गया है वो अम्ल है या फिर क्षार है। तो देखो सूचक जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो सूचक होता है वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक सूचक, है ना। तो प्राकृतिक सूचक मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो उसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन कौन से प्राकृतिक सूचक होते हैं। जैसे कि उदाहरण है हमारे दो प्राकृतिक सूचक के, एक है लिटमस पत्र और एक होता है हल्दी, है ना। तो ये जो लिटमस पत्र है, जैसे ही अम्ल के संपर्क में आएगा तो हमने देखा है कि जो नीला लिटमस पत्र है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, तो वो क्या होगा, अम्ल।
और जब लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, वैसे ही हल्दी है ना, हल्दी जो है वो पीला होता है, तो अगर हल्दी पीला का पीला ही है तो वो किसके संपर्क में आया है, अम्ल के संपर्क में, और अगर हल्दी जो है वो पीला से क्या हो गया, लाल हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो जो है वो क्षार है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल है डेली लाइफ में, अगर खाना खाते समय जो हल्दी है अगर आपके कपड़ों पे गिर जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, धोने में डालते हैं, तो जैसे ही धोते हैं तो जो हल्दी हुआ वो किसके संपर्क में आया, साबुन के संपर्क में। और पिछले ही कुछ टॉपिक्स में मैंने बताया है कि जो साबुन होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। तो जैसे ही हम हल्दी जो है वो साबुन के संपर्क में आता है तो वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये नहीं कि हम लोग सिर्फ बुक में पढ़ रहे हैं, ये हमारे दैनिक जीवन का भी एग्जाम्पल है। हल्दी जो है वो क्या था, हमारा प्राकृतिक सूचक था, उसको जैसे ही हमने क्षार मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या साबुन के संपर्क में आया तो वो जो हल्दी है उसका कलर बदल गया और वो कैसा हो गया, लाल हो गया। तो सूचक क्या होता है, जो हमको सूचित करता है, बताता है कि वो जो है वो अम्ल है या फिर क्षार है। तो ये वाला पहला सूचक कौन सा हुआ, प्राकृतिक सूचक, जो हमारी प्रकृति में पाया जाता है। हमारा जो दूसरा सूचक है वो कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक कहलाता है। तो उसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, वे सूचक जो रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कृत्रिम सूचक। मतलब ऐसे सूचक जिसको हम कुछ केमिकल्स या फिर कुछ रसायन को मिक्स करके बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कृत्रिम सूचक। तो ये जो कृत्रिम सूचक का दो एग्जाम्पल है, एक होता है फिनोफ्थेलिन और दूसरा होता है मेथिल ऑरेंज। ठीक है, तो ये जो फिनोफ्थेलिन है जब हम इसको किसी भी क्षार के संपर्क में लाते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा, और जब हम इसको किसी भी अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो इसका जो रंग है वो कैसा रहेगा, अपरिवर्तित, मतलब ये कैसा दिखेगा, हमको पानी के जैसा दिखाई देगा। वैसे ही दूसरा जो है वो मेथिल ऑरेंज, तो जब हम मेथिल ऑरेंज की बात करें तो जब इसको हम क्षार के संपर्क में लाते हैं तो ये कैसा दिखेगा, पीले रंग का, और जब हम इसको अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो ये लाल रंग का दिखाई देता है। हमारे पास दो प्रकार के सूचक है, पहला है फिनोफ्थेलिन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। तो सबसे पहले हम लोग एक क्षार लेंगे, क्षार के नाम पर मैंने NaOH लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हमारे स्टूडेंट करके बताएंगे कि जब हम NaOH जो क्षार है उसमें फिनोफ्थेलिन सूचक डालते हैं तो वो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है, और इसका गुलाबी रंग में परिवर्तित होना क्या कहला रहा है कि ये जो विलयन है वो क्या है, क्षार है। तो आप लोग देख सकते हो कि जो विलयन सफ़ेद था वो किस में परिवर्तित हो गया है, गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया है। हम लोग ले रहे हैं फिनोफ्थेलिन को अम्ल में डालेंगे, अम्ल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं, तो यहाँ पर इसके रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पिछला वाला आप लोगों ने देखा होगा कि तुरंत वो गुलाबी रंग में बदल गया था, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये जो कलरलेस था, मतलब जैसे ये पानी के रंग में पहले था, अभी भी ये वैसे का वैसा ही है। मतलब ये सूचित कर रहा है कि ये क्या हो गया, हमारा जो है वो है अम्ल है। पास दूसरा सूचक है मेथिल ऑरेंज, तो जब हम मेथिल ऑरेंज को अम्ल में डुबाते हैं तो इसका रंग देखते हैं कौन से रंग में परिवर्तित होता है। तो जो मेथिल ऑरेंज है आप लोग देख सकते हो कि ये किस में परिवर्तित हुआ है, लाल रंग में, गहरा लाल रंग ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग अगला करेंगे, हम इसी विलयन को मतलब मेथिल ऑरेंज को हम लोग क्षार में डुबा करके देखते हैं। तो जब हमने इसको क्षार में डुबाया तो देखते हैं कि इसका रंग किस में परिवर्तित होता है, तो जो इसका रंग है वो परिवर्तित होगा पीले रंग में। तो दोनों में डिफरेंस देख सकते हो कि एक जो है वो किस में परिवर्तित हुआ है, लाल रंग में, और दूसरा जो है वो पीले रंग में परिवर्तित हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि अम्ल और क्षार में जब हम सूचक डालते हैं तो इनका रंग कैसे परिवर्तित होता है। तो आज हम लोगों ने इस तरीके से प्रयोग करके जाना तो क्या होता है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, और कैसा लगा ज़रूर हमसे शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलो अब हम तीसरा देखते हैं, जो है गंधी सूचक। गंधी सूचक क्या होता है, जिन पदार्थों की गंध अम्ली या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं, गंधी सूचक। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें हम अम्ल मिलाते हैं तो उसकी गंध अलग आएगी, और जब हम उसमें क्षार मिलाते हैं तो उसकी गंध क्या होती, अलग आती। तो ऐसे सूचक को हम क्या कहते हैं, गंधी सूचक कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, सबसे पहले है प्याज का रस।
तो जो प्याज का रस होता है अगर इसको हम अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो ये कैसी गंध देगी, तीक्ष्ण गंध, मतलब इसकी जो गंध है वो बहुत ज्यादा तीव्र रहेगी, तो वो क्या होगा, अम्ल होगा। लेकिन जब हम इसको किसी भी क्षार के संपर्क में लाते हैं तो इसकी कोई गंध नहीं होती। तो इस तरीके से हम लोग अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं कि जो प्याज का रस है अगर तीक्ष्ण गंध आया तो वो क्या होगा, अम्ल होगा, और अगर कोई गंध नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। वैसे ही दूसरा उदाहरण है हमारा लौंग का तेल। तो जो लौंग का तेल है उसकी गंध जैसे है वैसे ही रहेगी तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल, मतलब जैसा स्मेल आता है लौंग के तेल का वैसे ही है तो वो क्या है, अम्ल है। लेकिन जब उसको हम क्षार के संपर्क में लाते हैं तो उसकी जो गंध है वो उड़ जाती, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल है वेनिला। तो वेनिला क्या होता है, आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे वेनिला फ्लेवर का, तो वही वेनिला है। जब उसकी जो गंध है जैसे ही है वैसे ही रहेगी तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा, मतलब इनका जो गंध है वो क्या है, समान है, तो वो क्या है, वेनिला। और अगर इसमें कोई गंध नहीं है, इसकी जो गंध है वो उड़ जाती है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी क्षारक कहलाएगी। ठीक है, अगर बच्चों आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और आप लोग और कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में भी मुझे जरूर बताएंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके रिएक्शंस के बारे में। अब हम कुछ अभिक्रिया करके देखते हैं कि जब धातु की अम्ल और क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया होती है तो वहां पर क्या बनते हैं। ठीक है, आपको अगर कभी भी कोई क्वेश्चन करे कि जब हम धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं या क्षार की अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, तो हमेशा ध्यान देना, चाहे वो अम्ल हो या क्षारक हो, जब हम उसकी क्रिया धातु के साथ कराते हैं तो यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जब हम अम्ल के साथ इनकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखो, धातु का एग्जाम्पल बहुत सारा होता है, जैसे कि सोडियम एक धातु है, पोटेशियम भी एक धातु होता है और जिंक भी एक धातु होता है। तो मैं जिंक का एग्जाम्पल लेकर के आप लोग को बताती हूँ। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि ये क्या है, अम्ल है, एसिड है, इसकी क्रिया हम मेटल से कराते हैं या धातु से कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर आपको ये रिएक्शन को बनाना हो तो कैसे करोगे, यहाँ से देखना, ये जो है बॉन्ड, इसको यहाँ से बीच से ब्रेक करना, जैसे HCl के बीच में एक बंध होता है, तो इस बंध को ऐसे ब्रेक किया हम लोग, और यहाँ पर से जो दो हाइड्रोजन था ये क्या हो गया, यहाँ ये वाला हमारा हाइड्रोजन हुआ, ये क्लोरीन और ये जिंक आपस में जुड़ गए। अब हमने देखा कि ये जो क्लोरीन है इसके सामने में दो लिखा हुआ है, तो दो सिर्फ क्लोरीन है लेकिन जिंक तो अकेला है, तो इसीलिए हमने जिंक क्लोराइड जब लिखा तो जिंक सिर्फ एक ही रहेगा और क्लोरीन दो रहेगा। तो ध्यान देना, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया जिंक के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक क्लोराइड, जो कि एक लवण है, और हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकलती है। ये जो ऊपर की तरफ एरो दर्शा रहे हैं वो बताता है कि ये एक गैस है और गैस जो है वो बाहर रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्षारक के साथ, मतलब जब क्षार की क्रिया हम धातु के साथ कराएंगे तो यहाँ पर भी क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो क्षार में हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, धातु में अभी भी हमने जिंक का एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमने जैसे अभी रिएक्शन बनाया था वैसे ही ये NaOH है ना, तो इस NaOH में देखो ये जो दो हाइड्रोजन है ये था, इसको हमने यहाँ से अलग किया, तो जो हाइड्रोजन है सामने दो लिखे है, मतलब जितना भी है वो दो है, तो हमने दो हाइड्रोजन को पहले अलग कर लिया, फिर जितना बचा उसको हमने मिला लिया। देखो सोडियम कितना है, दो है, तो हमने लिख दिया Na2। ZN मतलब जिंक कितना है, एक ही है, तो जिंक को हमने बीच में लिखा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सामने भी दो है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो भी दो होगा। तो इस तरीके से जब हमने क्षार की क्रिया धातु से कराई तो वहां पर हमको लवण मिला, मतलब NaOH को हम जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो Na2ZnO2 मतलब सोडियम जिंकेट का निर्माण हुआ और उसके साथ भी हाइड्रोजन गैस निकली। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम अम्ल की क्रिया धातु से करा रहे हैं तो भी लवण और हाइड्रोजन बन रहे हैं, और क्षार की क्रिया जब हम धातु से कराते हैं तो भी लवण और हाइड्रोजन बनता है। तो प्रॉब्लम ये है कि अम्ल और क्षार दोनों में सेम चीजें हम लोग को मिल रही है, तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो इसके लिए हम हाइड्रोजन गैस की एक प्रयोगशाला विधि करके देखते हैं ताकि हम आसानी से इसको पहचान पाए।
अब हम हाइड्रोजन गैस के लिए एक परीक्षण करके देखते हैं। देखो, हाइड्रोजन गैस के सामने जब भी हम एक परख नली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर एक पॉप की ध्वनि, मतलब जैसा एक फटाका होता है और फट से वो फूटता है और एक ध्वनि निकलती है, उसी को हम पॉप की ध्वनि कहते हैं। तो उसके लिए एक प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग में एक स्टैंड लिया गया है और स्टैंड में एक परख नली को फंसाया गया है, ठीक है। अब इस परख नली में हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक जो धातु है उसका मिश्रण लेते हैं। ये जो दाना दाना दिख रहा है वो कौन सा है, जिंक धातु है, और जो विलयन दिखाई दे रहा है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो ये जो विलयन है और जिंक है वो बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पर एक कॉर्क मतलब एक ढक्कन जैसा लगा हुआ है। सिर्फ ये जो पतली नली है यहाँ से होते हुए जो हाइड्रोजन गैस बनेगी वो इस नली से होते हुए जाएगी और ये जैसे ही साबुन के पानी के विलयन में जाती है यहाँ पर छोटे छोटे बुलबुले निकलने शुरू होते हैं। और जब ये बुलबुले बाहर निकलती है तो इनके संपर्क में जैसे ही हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर के आते हैं तो पॉप की ध्वनि आती है ना। हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही हल्की धातु होती है इसलिए वो आसानी से ऊपर की ओर आती है और ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, मतलब इनमें ज्वलनशीलता का गुण पाया जाता है। इसलिए जब भी हम एक जलती मोमबत्ती के सामने इसको लेकर के आते हैं तो एक पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो गैस है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये जो डायग्राम है आप लोगों के समझने के लिए बनाया गया है, आप लोग और अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, मतलब अम्ल और क्षार की हम धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे। तो एक चीज ध्यान रखो कि जो धातु बाइकार्बोनेट है उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट मतलब जब भी हम कोई धातु के साथ कार्बोनेट ग्रुप जोड़ दें। अब ये कार्बोनेट ग्रुप है क्या, जो CO3 जो ग्रुप है किसी भी धातु के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या बनाता है, कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। अगर आप लोगों को रासायनिक सूत्र बनाने नहीं आता तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाया जाए, उसको जरूर देखें ताकि आप लोग ये सब जो है वो वहां से बना सके, ठीक है। तो देखो अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया है तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या है, एक धातु है, CO3 जो है वो कार्बोनेट हुआ, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है, लवण। लवण किसको बोलते हैं, जिसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लवण। लवण मतलब Na+ है और Cl- है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है तो वो क्या कहलाए, लवण कहलाते हैं। तो ये जब अम्ल और धातु कार्बोनेट मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। एक बार हम लोग देखते हैं कि ये जो बना है वो कैसे बना है, ठीक। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है, NaCl है ना। तो ये जो NaCl है यहाँ देखो जो क्लोरीन है दो सामने लिखा है, इसका मतलब ये है कि क्लोरीन भी जो है वो दो है, सोडियम के साथ में दो है, मतलब ये जो सोडियम है वो भी दो है, मतलब यहाँ से क्लोरीन के दो अणु और सोडियम के दो अणु क्या करेंगे, आपस में क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2NaCl जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये Na और Cl जो है वो बाहर निकल गया। अब क्या बचा हमारे पास, CO3 बचा है ना, और बच रहे हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन कितना था, दो था, तो इसको हमने H2 लिखा। अब ऑक्सीजन कितने हैं, तीन थे, तो ये जो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन थे, इसमें से दो ऑक्सीजन इसके पास आया, तीसरा ऑक्सीजन इसके पास आया। तो इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने जब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करी तो यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु का निर्माण होता है। अब हम दूसरा देखते हैं अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से। तो जो धातु बाइकार्बोनेट है जिसको कि हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो अम्ल में हमने वापस से यहाँ पर क्या लिया, HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं, तो वापस से यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और उसके साथ साथ किसका निर्माण होता है, जल का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना कि ये जो सोडियम क्लोराइड बन रहे हैं है ना, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है, तो जो दो हाइड्रोजन हुए उसके लिए हमने ये दो हाइड्रोजन हुआ, वैसे ही जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो CO3 तो हमने CO2 लिखा, मतलब दो ऑक्सीजन इसके पास और एक ऑक्सीजन इसके पास। अब बात आती है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट बना हुआ है ना,
जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पर क्या है, हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इसके साथ यहाँ पर कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन और यहाँ पर 1 क्लोरीन, तो हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसको क्या लिखेंगे, 2NaCl। तो जब ये 2Na आया तो यहाँ पर भी तो 2 लिखना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2Na। तो इस तरीके से ये 2Na और ये 2Cl जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, वैसे ही जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो टोटल कितना हाइड्रोजन हुआ, अब हाइड्रोजन ज्यादा हुआ तो इसको भी मैं एक वीडियो में बताऊंगी कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। और आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जब हमने अम्ल और धातु बाइकार्बोनेट की क्रिया कराई तो यहाँ पर लवण और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ क्या होता है, जल का निर्माण होता है। ठीक है, रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करके देखना, नहीं बनता है तो मैं आगे के वीडियो में उसको क्लियर करूंगी। अच्छा, आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे के जो भी वीडियोस मैं डालूं वो आप लोगों को मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे ये भी बताना कि आपको लोग जो है 10th का और कौन सा चैप्टर जो है वो वीडियो में पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।